किसी बात को आप ले लीजिए कि बिहार के सब मजदूर अभी बिहार से बाहर 60% हम दावा करते हैं 60% मजदूर हैं जो बिहार से बाहर हैं। अभी आपको उपस्थिति आपने देख रहे हैं कि क्या इन लोगों के लिए हो रहा है, जबकि एक विधायक की जरूरत है वो पूरी हो रही है, एक सरकार में है जो अपनी पूरी कर रही है, लेकिन गरीब जनता किसके पास जाए। न्यूज प्राइम 24 के हक की बात में बिहार से बाहर फंसे मजदूरों के लिए सरकार पर जमकर बरसे बिहार मुक्ति मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार ताती। आपने नई पार्टी का निर्माण किया है राजेश जी, बिहार मुक्ति मोर्चा का, जिसमें आपने कई जिलों में घर घर जाकर यानी डोर टू डोर जनता से मिले हैं, रूबरू हुए हैं, आपने बिहार के जनता की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि बिहार की जनता आज तक जो डोर टू डोर किया है, हमने जो गांव में लोगों से मिला है, हर दलित महादलित अपने समाज के लोगों से भी मिला है और वंचित समाज के भी लोगों से मिला है, तो कभी इन लोग का विकास हुआ ही नहीं था। ये लोग सदा ही एक गुलामी के जिंदगी जीते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, इसलिए आज तक इन लोग का विकास नहीं हुआ। अगर विकास होती तो आज गांव में झलकता, आज की परिस्थिति जो सामने आपके आ रही है। बिहार के जो मजदूर वर्ग और अन्य व्यक्ति जो दूसरे राज्यों में फंसे पड़े हैं, और एक तरफ कुछ वीआईपी लोग अपने अपने माध्यम से अपने परिवार के फंसे लोगों को अपने पास लेकर आए हैं और उसमें उनके बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विधायक को कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल जो है आपका, ये बहुत ही उचित सवाल है और ये सराहनीय सवाल है, और आज बिहार की जनता को इस सवाल से रूबरू भी हो रही है, बहुत से हम पे फोन भी आ रहे हैं, इस सवाल का जवाब देना भी अति आवश्यक है। आज आप खुद देखिए कि एक विधायक की माँ परेशान है तो उसके लिए बेटा है बेटी है, लेकिन पूरे बिहार की कम से कम 10 लाख बिहारी अभी बाहर में फंसे, उसकी माँ नहीं है, उसका परिवार नहीं है, उसके लिए सरकार नहीं है। तो ये हमारी गलती है, उन गरीबों की गलती है जो ऐसे सरकार को चुन के लाया है। जनता जो होती है, जो नेता होता है, वो नेता जो होता है जनता का नौकर होना चाहिए, जनता का मालिक नहीं। और आज तो जनता ही नौकर बन गई है, जनता का मालिक वो बन रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री चौकीदार है, दूसरे तरफ पूरे बिहार के चौकीदार का अपमान हो रहा है। ये कहाँ की चौकीदारी है? जिस स्थिति से आपके पास बार बार अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों से भी कॉल आ रहे हैं, बाहर से भी कॉल आ रहे हैं, अगर आपको सरकार में रखा जाए और सरकार आपकी आ जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे लोगों के प्रति? आज की परिस्थिति मैं बताता हूं कि जितनी रुपया, जितनी मदद, जितनी आर्थिक मदद सरकार को दिया गया, यहां पे दो लोगों को मैं कहना चाहूंगा। एक तो बिजनेसमैनों को मैं थोड़ा गलत, मेरी निजी मामला है कि यहां पे गलत रहे, मुख्यमंत्री कोष में देने की कोई जरूरत नहीं थी, प्रधानमंत्री कोष में देने के लिए कोई जरूरत नहीं थी, देना था तो अपने लोग अपने अपने क्षेत्र को चुन लेते। आज जो परिस्थिति बनी हुई है, अगर उस क्षेत्र में चुन लेते उन लोगों को सब कुछ सुविधा मिल जाती, वो लोगों को सब राशन व्यवस्था हो जाती, तो फिर वो काहे के लिए लोग करते हैं।